are your team's chances in the cup? We're here to win. To win the World Cup? What else we here for? Namaskar. Khurana's Forum mein aapka swagat hai. Limited overs World Cup ki shuruaat 1975 mein England mein hui, जिसमें सभी टीम्स के खिलाड़ी वाइट कपड़े ही पहनते थे और रेड बॉल से ही यह गेम खेला जाता था। लेकिन उस समय इन ओडीआईज में 60 ओवर्स के मैचेस होते थे, जिन्हें बाद में घटाकर 50 ओवर्स कर दिया गया है। दो वर्ल्ड कप के बीच का अंतराल 4 साल रखा गया, 1975 और 1979 में। उस समय की टॉप रही हुई टीम वेस्ट इंडीज़ ने वर्ल्ड कप जीता और तीसरे वर्ल्ड कप का आयोजन भी इंग्लैंड में ही हुआ 1983 में, जिसमें इंडियन टीम को लीड कर रहे थे कपिल देव। और किसी को भी भरोसा नहीं था कि इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप में कुछ भी कर पाएगी, यहाँ तक कि भारतीयों को भी नहीं। I don't think the Indians can quite see the ball. It's moving too fast for them. India in big trouble now. 2 wickets down in quick succession. मैच खत्म, वर्ल्ड कप खत्म, कप्तान खत्म। ओ एक मैच तो जीत के जाओ, एक। 35 साल पहले हम लोग आजादी जीते, मगर इज्जत जीतना अभी बाकी है कप्तान। ग्राउंड के बाहर हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, जब हम ये यूनिफॉर्म पहनकर ग्राउंड में उतरते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है, जान लगा के देश के लिए खेला। लेकिन कपिल पाजी का डिटर्मिनेशन और टीम को एकजुट लेके चलने की एक लीडरशिप क्वालिटी ने सबको अचंभित कर दिया। वह मैच जो इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच हुआ, जिसमें इंडियन टीम पहले खेलते हुए केवल 17 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी थी, उसमें कपिल देव बैटिंग करने उतरे तो उन्होंने इतिहास बना दिया। Received from the West Indies and Australia. If they win today by a huge margin, they're still in the tournament. If not, so long. Caps, it's 2 down caps. Na lende mainu. That's another one gone. Caps, 3 down. Kya bachpan hai, just shut up. This is a disaster. Caps, 4 out ho gaye. Itne important match mein bhi serious nahi hona hai. Mazak ki bhi had hoti hai. Score kya hai? 175 रन नॉट आउट कपिल देव, और इंडिया ने 60 ओवर्स में 266/8 बनाकर जिम्बाब्वे को कन्विंसिंगली हरा दिया। इन मैचेस को ब्रॉडकास्ट करने के राइट्स बीबीसी के पास थे, और इसी इंडिया जिम्बाब्वे का मैच जिस दिन था उस दिन बीबीसी स्ट्राइक पर थी और यह मैच रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और इतनी नायाब पारी जो कपिल पाजी ने खेली, इट्स नॉट रिकॉर्डेड इन द वीडियो फॉर्मेट, लेकिन यह फिल्म जो 24 दिसंबर 2021 को रिलीज़ हो रही है, यकीनन यह फिल्म उस इतिहास को जीवित कर देगी और आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप 1983 का रियल मैच या सब रियल मैचेस ही देख रहे हैं। जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, बहुत सारे फिल्म क्रिटिक्स जो पहले फिल्मों को क्रिटिसाइज़ करते थे, वो आजकल ट्रेलर्स को भी क्रिटिसाइज़ करने लगे हैं और अक्सर नेगेटिव बातें बोलते हैं। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि यह फिल्म आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको कुछ ऐसे यादगार लम्हों की याद दिला देगी कि शायद आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएं। रणवीर सिंह कपिल पाजी के कैरेक्टर को ऐसे कैरी कर रहे हैं कि It's really amazing. आराम से मार रहा चिक्का। भाई नेट प्रैक्टिस है। हमको चुमा टुकू टुकू खेलने नहीं आता। और कपल ऐसे समझा दे, मैं सर पे मार देनी बॉल। रैन तो मदीपा नहीं आती उसे डिफेंस।